दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। इसके साथ में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ में अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, तो आप वो भी हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों में से काफी सारे लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि यार Realme 9 सीरीज के स्मार्टफोन कब लॉन्च होंगे, इन स्मार्टफोन में क्या कुछ फीचर्स होंगे, क्या कुछ डिटेल होगी। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं Realme 9 सीरीज के स्मार्टफोन के बारे में। जैसे Realme के कुछ दो नए स्मार्टफोन यहां पर ऑनलाइन स्पॉट हुए हैं और यहां पर इन स्मार्टफोन की जो डिजाइनिंग वगैरह है वो भी निकल करके आ चुकी है, और सबसे बड़ी बात कि इन स्मार्टफोन के कुछ जो फीचर्स हैं वो भी निकल करके आ चुके हैं, जिसके बारे में आपको यहां पर इन्फॉर्म करने वाला हूं। और कहा जा रहा है कि मे बी ये जो स्मार्टफोन है वो यहां पर Realme 9 सीरीज के ही स्मार्टफोन हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहां पर इन दोनों स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में, फीचर्स के बारे में, फिर यहां पर इन स्मार्टफोन के लॉन्च के बारे में। दोस्तों डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि Realme का एक नया स्मार्टफोन अपने मॉडल नंबर के साथ में आज यहां पर टीना सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गया है, और टीना सर्टिफिकेशन से इस स्मार्टफोन के कुछ जो फीचर्स हैं वो निकल करके आ चुके हैं। सबसे पहले बात करता हूं स्मार्टफोन के कुछ डिटेल के बारे में। तो यहां पर इस स्मार्टफोन का जो मॉडल नंबर है वो निकल करके आया है RMX3350, और टीना के साथ में ये जो स्मार्टफोन है वो 3C सर्टिफिकेशन साइट पर भी ऑनलाइन सर्टिफाई हो चुका है। स्मार्टफोन की बात करता हूं डिस्प्ले के बारे में। तो यहां पर इस स्मार्टफोन में आपको मिलने वाली है 6.43 इंचेस की एक डिस्प्ले। अब यहां पर ये जो डिस्प्ले है वो कौन सी है, फुल एचडी है, क्या है, ये तो फिलहाल अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन आप यही मान करके चल सकते हैं कि फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलने वाली है। स्मार्टफोन की बात करता हूं कुछ और डिटेल के बारे में। तो यहां पर आपको एंड्रॉइड 11 का जो सपोर्ट है वो आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन में आपको मिलने वाली है डुअल सेल बैटरी, और यहां पर जो बैटरी होगी वो होगी 2220 mAh की। उसके साथ यहां पर दिया गया है 65 वाट का डार्ट चार्जर। स्मार्टफोन की जो थिकनेस है वो निकल करके आई है 9.1 mm। तो ये पूरी डिटेल है Realme के इस नए अननोन स्मार्टफोन के बारे में जो कि यहां पर ऑनलाइन स्पॉट होना स्टार्ट हो गया है। अगला जो स्मार्टफोन है वो भी यहां पर टीना सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो चुका है। इस स्मार्टफोन का जो मॉडल नंबर है वो निकल कर आया है RMX3333, और यहां पर अगर बात करता हूं स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में तो आप देख सकते हैं सिमिलर Realme 8 सीरीज जैसे ही जो डिजाइनिंग है पीछे के साइड कैमरे की वो आपको देखने के लिए मिलती है, थोड़ा सा जो चेंज है वो आपको देखने के लिए मिलता है, बाकी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। स्मार्टफोन की बात करता हूं यहां पर डिस्प्ले के बारे में। तो इसे स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगी 6.43 इंचेस की एक सुपर एमोलेड फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, और उसके साथ यहां पर अगर बात करता हूं स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में तो प्रोसेसर काफी तगड़ा यहां पर दिया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा Qualcomm Snapdragon 780G का प्रोसेसर जो कि एक 5G प्रोसेसर है, और यहां पर जो स्पीड है वो काफी कमाल की आपको देखने के लिए मिलती है। स्मार्टफोन की बात करता हूं कुछ और डिटेल के बारे में। स्मार्टफोन की बात करता हूं कैमरे के बारे में। तो यहां पर आपको 48 megapixel का जो कैमरा है वो देखने के लिए मिलने वाला है, और यहां पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। स्मार्टफोन में फ्रंट की साइड में आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी के लिए। स्मार्टफोन में दिया गया है एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स। उसके साथ 4500 mAh की बैटरी, 50 वाट का चार्जर। तो ये पूरी डिटेल है जो कि यहां पर Realme के इन दोनों अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में निकल करके आई है। अब यहां पर फिलहाल इन स्मार्टफोन का जो नाम है वो तो 100% कंफर्म होकर के आया नहीं है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि मे बी ये जो स्मार्टफोन है वो ग्लोबली आपको Realme V सीरीज वगैरह के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और मे बी ये जो स्मार्टफोन है जब इंडिया में आए तो आपको Realme 9 सीरीज वगैरह में देखने के मिल सकते हैं। और जब ये स्मार्टफोन और मे बी जब ये स्मार्टफोन इंडिया में आए तो ये जो स्मार्टफोन है वो Realme 9 सीरीज के भी अंदर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इन स्मार्टफोन के फीचर्स को देख करके ऐसा ही लगता है। अब यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 780G का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। तो मे बी ये जो स्मार्टफोन Realme 9 Pro स्मार्टफोन का 5G वर्जन हो जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा और Qualcomm Snapdragon 780G का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, और उसके साथ में यहां पर आप डिजाइनिंग भी देख सकते होंगे Realme 8 सीरीज जैसी डिजाइनिंग आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये पूरी डिटेल निकल करके आई है Realme के इन दोनों अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, और ये जो स्मार्टफोन है वो Realme 9 सीरीज में आपको इंडिया में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे ये जो दोनों स्मार्टफोन है बड़ी जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, और यहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो ऑनलाइन स्पॉट हो भी गए हैं। अब यहां पर आपका क्या कहना है इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में, आपके अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन के फीचर्स कैसे हैं, जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप यहां पर Realme 9 सीरीज को किस प्राइस पॉइंट पर किस फीचर्स के साथ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जरूर से अपना ये भी ओपिनियन मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। इसके साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।